सबसे पहले स्वयं पुरोहित जी आप ही के पास आना चाहूंगी। कौन है ये शाहजहां शेख? और इस शाहजहां शेख को बचाने के लिए आपने टीएमसी की पूरी पलटन, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, वो भी तैनात नजर आ रही हैं, और बहुत गंभीर आरोप आपकी सरकार पर है। महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बात महिला का मुख्यमंत्री होना, और ऐसे में महिलाओं को लेकर ही न्याय न कर पाने की स्थिति सरकार को खल नहीं रही क्या? पूर्णिमा जी, देखिए आपने जो बात कही है कि शाहजहां शेख कौन है, शाहजहां शेख तृणमूल का नेता जरूर थे, मगर जो भी आरोपी है, अगर किसी भी कार्य में अगर उनकी कोई भी उनकी दखलअंदाजी है, अगर वो आरोपी है तो उनकी सजा जेल में होगी। अगर कल वो भारतीय जनता पार्टी में, जैसे क्या होता है कि कोई भी नेता अगर बीजेपी में चला जाता है तो वो वॉशिंग पाउडर की तरह हो जाता है, सफ़ेद एकदम, तो तृणमूल कांग्रेस में ऐसा नहीं है। तृणमूल कांग्रेस में कहीं भी कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति है तो वहां पे 18 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है, वहां पर ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर पूरा कंट्रोल के अंदर में है। कहीं भी देखिए कोई अप्रिय घटना हुई, मगर किस तरह से इसको एक पूरा एक वैश्वीकरण किया गया इस मुद्दे को, यह भी सोचने का विषय है कि इस मुद्दे को आज सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मारी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पीआईएल दाखिल की थी, सुप्रीम कोर्ट में दो आज जजमेंट आए हैं, दोनों जजमेंट में कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दाखिल किए थे दोनों में इनको करारा जवाब मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने, इन्होंने कहा था कि मणिपुर से तुलना कर दी थी संदेश खाली की। देखिए आश्चर्य की बात है कि जमींदार, जो हमारे देश के जमींदार है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनकी जमींदारी चल रही है, पश्चिम बंगाल के साथ एक सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 2021 का चुनाव, पुरोहित जी सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता रखिए, संवेदनशीलता इसीलिए रखिए क्योंकि महिलाओं पर यौन शोषण का आरोप लगा है, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की अगर आप बात करेंगे तो सुनिए साहब, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि फिर हम एसआईटी गठित कर देंगे, हम सीबीआई जांच इस पर बैठाने का आदेश भी दे सकते हैं, वो ये भी कह रही है। और इसके साथ साथ सुनिए स्वयं पुरोहित जी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, आपका पूरा का पूरा क्या सिस्टम फेल हो चुका है? एक आदमी को पकड़ नहीं पा रहा जिसका ताल्लुक टीएमसी से है, उसके साथ के दो लोग जिन पर आरोप लगा है, मुझे बोलने का मौका नहीं देंगी? नहीं, आप लोग पकड़ नहीं पा रहे, आपकी पूरी की पूरी मशीनरी फेल हो गई क्या? गिरफ्तार हुए, सुनिए ना, वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल, कहाँ जमीन में घुस गए क्या ये लोग? सुनिए ना, कहाँ है वो बताइए ना, आप बताइए कहाँ पर है ये लोग? आपकी पूरी की पूरी मशीनरी फेल हो गई, पकड़ नहीं पा रहे लोगों को। मोदी पकड़ के ला सके क्या ललित मोदी को, नीरव मोदी को? अरे जमीन में घुस गए क्या तीनों लोग? कोई सुरंग खोद दिया आप लोगों ने? इसको किसकी बात कर रहे हैं, पहले ये बताइए तीनों लोग कौन? तीनों लोग बताइए कौन कौन, आप बताइए ना कौन? अरे आपके राज्य का मामला है सरकार, मैं तो बता ही दूंगी, चर्चा करने बैठी हूँ, तीनों नाम बताऊंगी आपको। आरोप लगा, सुनिए मेरी बात पूर्णिमा जी, जब आप बात कर रही है तो आप बात पूरी करिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर को आप बदनाम कर रही है टीवी चैनल में बैठ करके। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर का सख्त नहीं होता, आपकी सरकार, आपकी सरकार महिलाओं की रक्षा कर नहीं पा रही, आपका टीएमसी का आदमी यौन शोषण करता है और आपकी सरकार को मैं बदनाम कर रही हूँ यहाँ पर? थोड़ी तो शर्म करिए पुरोहित जी, महिलाओं की थोड़ी शर्म करिए सरकार, थोड़ी शर्म रखिए, थोड़ी शर्म रखिए। आपके कानों में उन महिलाओं की आवाज नहीं पहुंच रही, आपको उनका दर्द नहीं समझ में आता, आपको ये नहीं समझ में आ रहा दर दर की ठोकरें वो खा रही हैं, और आप लोग चुप्पी साधे बैठे हैं, क्यों? क्योंकि आपको उसको शेख को बचाना है, शाहजहां को बचाना है। वो निंदनीय है और दोषियों की सजा जेल में है, हम दोषियों को नहीं बचा रहे हैं। दोषियों को कौन बचा रहा है? किसने ब्रिजभूषण सिंह को बचाया? ठीक है, तो बोलिए कि आपकी पूरी की पूरा आपका सिस्टम ध्वस्त हो गया है, बोलिए आपकी सिस्टम ध्वस्त हो गया है, बोलिए कि आपकी पुलिस नाकाम है, आपकी पुलिस नकारा है, नहीं पकड़ पा रही इन लोगों को, बोलिए फिर आप। गिरफ्तार नहीं हुआ सिबू, बोलिए ना फिर, गिरफ्तार नहीं, गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ सिबू? किसको सुरंग में डाला आपने? शाहजहां को कोई सुरंग खोद कर डाल दिया क्या आप लोगों ने? शाहजहां कहाँ है? बताइए ना आप, बताइए, आपकी पुलिस बताएगी, आपकी सरकार बताएगी, आपके मुख्यमंत्री बताएगी, और आप प्रवक्ता होने के नाते आप बताएंगे सर? अरे देश का तंत्र सारा नरेंद्र मोदी अमित शाह के हाथ में है, जो जमींदार है, इसी में रहिए आप, जमींदार है, मोदी विरोध करिए, आपके राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आपके मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, बोलते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, आरोपी फरार है, और आप घूम कर मोदी पर आ जाइए, यही करते रहिए आप लोग। सुनिए, रोटियां कौन से, यही करते रहिए सर, यही करते रहिए, और इससे ज्यादा संवेदनशीलता की उम्मीद आपसे है भी नहीं, इससे ज्यादा सेंसिटिविटी आप लोग दिखा नहीं सकते हैं। रोजिता अग्रवाल आपको लाते हुए, स्वयं पुरोहित जी से जब मैंने बात करनी शुरू की, सर एक्सपोज मत करिए खुद को, स्वयं पुरोहित जी
उस समय आप आरोपी को पकड़ नहीं पा रहे, यहाँ पर आप इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, घूम फिर के राजनीति और मोदी पर चले जा रहे हैं, एक्सपोज मत करिए सर खुद को, थोड़ी सरकार को शर्म कर लेनी चाहिए ऐसे मामले में। अरे शर्म मोदी जी को भी करनी चाहिए, मणिपुर चल रहा है, एक बार भी नहीं गए। अब आ गए आप मणिपुर पर, अभी आपने कहा सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मणिपुर से तुलना मत करिए, अब आप खुद मणिपुर पर आ गए क्योंकि आपको सूट करता है। प्लीज रचिता दीवाल आपको लाते हुए जरा, ये जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में इस वक्त हो रहा है, कल शुभेंदु अधिकारी जाने वाले हैं, खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री जाकर उन पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेंगे, क्या पूरा का पूरा संदेश खाली राजनीति का एपिसेंटर बनता जा रहा है, और क्या किसी को इस बात से मतलब है कि उन पीड़िताओं को न्याय दिला सके। आप मध्य प्रदेश के बारे में, नमस्कार, नहीं सबको राम राम। पूर्णिमा जी देखिए, हमारे जो सह प्रवक्ता हैं टीएमसी के स्वयं जी, उन्होंने अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर दिया, जितनी देर से वो बोले जा रहे हैं वो अपने आप को खुद ही एक्सपोज करते जा रहे हैं। उन्हें खुद ही नहीं पता कि वहां पर क्या हो रहा है, किस तरह से पुलिस का और प्रशासन का मिली भगत में गुंडागर्दी हो रही है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। पश्चिम बंगाल सामने प्रसाद मुखर्जी की भूमि थी वो, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। माँ काली की धरती है ये, महिलाओं के लिए अत्याचार का, रेप का, बम, गोले, चीखों का पर्यायवाची बन गया है, और आपको इस बात को शर्म नहीं आ रही है कहते हुए कि आपको पता भी नहीं है कि वो मौन आरोपी है कहाँ, आपको बिल्कुल नहीं मालूम। अरे आपके हाथ में तंत्र, आप खोजिए ना, कोई मना कर रहा है, आप पता करिए ना, आपको कोई बोल रहा है क्या? अरे सुनिए ना, कल तक 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं, आप सुनिए, आप जो ये भारतीय जनता पार्टी, नहीं तो आप ऐसा करिए ना स्वयं पुरोहित जी, ऐसा करिए आप वो 18 लोगों का झुनझुना बजाते रहिए, आप उन 18 लोगों का झुनझुना बजाते रहिए और उसको लेकर अपनी पीठ थपथपाते रहिए, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ करने की स्थिति में फिलहाल आप नजर नहीं आ रहे। सूर्य मेहता जी, आपको लाना चाहूंगी और उसके बाद एक एक कर सभी मेहमानों के पास में आऊंगी, और उसके बाद अमर आपके पास भी आएंगे। डिबेट करा रही है, आप जज नहीं है, आप एक टीवी डिबेट कराने वाले एंकर हैं, आप जज मत बनिए, आप जिस तरह से जस्टिफिकेशन कर रही है कि 18 लोगों को तो क्या गिरफ्तार नहीं कर रहे, नहीं तो झुनझुना बजाइए ना उसका, मुख्य आरोपी घूमता रहे, आप झुनझुना बजाते रहिए उन 18 लोगों का, पकड़ लिया है उनको। खुश होइए आप उसी पर, सूर्य मेहता जी आपको लाते हुए जरा मुझे समझाइए ये पूरा घटनाक्रम, और सबसे बड़ी बात ये इसको राजनीति का केंद्र क्यों बनाया जा रहा है? मुझे दिक्कत तो उस पॉलिटिक्स से है जो इसको लेकर हो रही है, महिलाओं को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा वहाँ पर? धन्यवाद पूर्णिमा जी, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। देखिए पूर्णिमा जी, ये जो पूरा विषय है ये विषय अपने आप में हैरान कर देने वाला है। 12 साल से संदेश खाली के अंदर एक बलात्कारी शाहजहां शेख अपने दो मित्रों उत्तम और कोई और है एक और, उन दोनों को लेकर हर घर के सामने पहुंचता था, जहां पर जो हिंदू महिला उसे खूबसूरत दिखती थी उस महिला को वह तृणमूल कांग्रेस के जिला कार्यालय में लाकर पूरी रात बलात्कार करता था और सुबह उसको छोड़ के आता था। यह सिलसिला लगातार 12 साल से चल रहा था, इसकी जानकारी वहां के BDO, वहां के DSP, SP और यहां तक कि गृह मंत्रालय और यहां तक कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक थी, विधायक और सांसदों के पास जानकारी थी, लेकिन वो तृणमूल कांग्रेस का गुंडा उस तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में लाके बलात्कार कर रहा था, उसे कोई नहीं रोक रहा था। लेकिन जैसे ही ईडी और CBI के ऊपर हमला किया शाहजहां शेख ने, उसके बाद वो भागा, और भागने के बाद वहां जो महिलाएं हैं उन्होंने साहस करके इस कंप्लेंट को रिपोर्ट किया। अब देखिए कितना दुर्भाग्य है, यहां बैठकर ये जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता है यहां पर आए बाए साए कर रहे हैं, ये कह रहे सिस्टम आपके हाथ में। अरे भैया कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है, या तो यहां ये बोल दो कि आप लोगों ने चूड़ियां पहन ली है, आपका सिस्टम फेल हो गया है, गुंडे आपके पिताजी और दादाजी बन चुके हैं, और बंगाल के अंदर अराजकता की स्थिति है, वहां कानून व्यवस्था गुंडों के हाथ में है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार फेल हो गई है, और इस्तीफा दे दो, अन्यथा उस गुंडे उस बलात्कारी को जिसको आपने भगा रखा है, बंगाल पुलिस उसको परिचय दे रही है, पूरा का पूरा प्रशासन उसको बचाने में लग गया है, और ममता बनर्जी दीदी
बेटी खुद उसके सामने खड़ी हो गई है ढाल बनकर। यदि ऐसे बलात्कारी को आप बचा रहे हैं तो इस्तीफा दीजिए, अन्यथा उसको अरेस्ट कीजिए, उसको जेल की सलाखों के पीछे डालिए और माफी मांगिए बंगाल की जनता से। संदेश काली की उन हजारों महिलाओं से जिनका बलात्कार तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने किया।